अब की बार फिर से मोदी जी को वोट कीजिएगा। तब कथी हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है, बीजेपी बहुत बढ़िया एकदम काम कर रही है, कोई धर्म का डर नहीं है, कोई धर्म का डर नहीं है। मोदी जी के नाम पर कोई भी आता तो आप वोट? हाँ, एगो गधो आगे उसको जीत जाएगा। जैसे लालू जी के समय में एगो गधो के जैसा था, लालटेन में जीत जाता था, लेकिन लालटेन का अब रोशनी खत्म है, बत्तिये खत्म, तेले नहीं है, फूट गया लालटेन, लालटेन फूट गया, कोई उपाय नहीं है। हम मोदी जी के चार चिन्ह छे, पैसा चिन्ह। अच्छा, मोदी मिला जुला कर तो जो है सो कांग्रेस ही था जो व्यापारी लोग को फायदा का काम करवाया। हर घर में मोदी बसा हुआ है, मोदी के अलावा कोई उपाय नहीं है। यहाँ भाजपा ही जीतेगा, जो अच्छा काम करेगा वही ना जीतेगा। चुनावी शंखनाद में हम पहुंचे हैं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में। उजियारपुर में क्या माहौल है, क्या मुद्दा है और क्या लोगों की डिमांड है, कैसा सांसद होना चाहिए, चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से बाजार में हम खड़े हैं, यहाँ चाय और लिट्टी, चर्चा कई लोगों के साथ करेंगे। लोग बैठे हुए हैं, बातचीत करें, देखिए एक बाबा बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस इलाके के सांसद का। दरअसल यहाँ से बीजेपी के सांसद नित्यानंद राय हैं, जिन्हें भारत सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली हुई है, गृह राज्य मंत्री हैं, और इस बार महागठबंधन से यहाँ नित्यानंद राय को उम्मीदवार, माफ कीजिएगा, यहाँ एनडीए से नित्यानंद राय को एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट दी है और वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व मंत्री आलोक मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इस बार मुद्दे क्या होंगे चुनाव में, इन्हीं लोगों से समझते हैं। क्या नाम है भैया आपका? बिक्कू। बिट्टू? बिक्कू। अच्छा बिक्कू, इस इलाके में क्या बुनियादी जरूरत है और इस बार के चुनाव में माहौल क्या है? हमको तो नहीं पता है क्या होगा नहीं होगा सर। अच्छा, तो क्या लग रहा है, चर्चा क्या चल रही है गांव में, कैसे नेता चुनना चाहिए, कौन अब की बार सांसद बनेगा? अब सब अपना अपना बोलता है, कोनो कहता है लालू के देंगे, कोनो कहता है अपना ललटेम के देंगे, कोनो कहता है मोदी के देंगे, हमको इससे क्या मतलब है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? चाय खोल रहा है, चाय इसलिए खास है कि चाय से लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मोदी सरकार तो जरूर चाय से सरकार बन गए, मोदी जी चाय बेच के सरकार में आ गए। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार चाय बनाने वाले या चाय वाले प्रधानमंत्री वापस आएंगे, या समस्तीपुर के उजियारपुर जो लोकसभा से सीट है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ का माहौल बदलेगा? अब हमसे कैसे बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको कैसी सरकार चुननी चाहिए, आप किस कैसे लोगों को वोट कीजिएगा? अब जहाँ दे वोट पड़ेगा तहाँ देंगे। यहाँ पड़ेगा, तय नहीं है अभी? तय नहीं है अभी, तय नहीं है। आइए भैया, क्या नाम है आपका? MD आजाद। आजाद साहब, इस इलाके की जरूरत क्या लग रही है आपको? इस इलाके में जो है से जो भी जरूरत है वो अभी पूरा हो रहा है, रोड वोड का जो भी है, नाला है, वो सब जो है से काम चालू है, हो रही है, और बहुत अच्छी सरकार है। और इस बार जो है से मोदी जी 400 के पार जाएंगे जरूर, बीजेपी की सरकार होगा ही। आप मुस्लिम समाज से आते हैं? जी, मुस्लिम। लेकिन आप बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा सहमे डरे या नुकसान मुसलमानों का होता है, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है, बीजेपी बहुत बढ़िया एकदम काम कर रही है, कोई धर्म का डर नहीं है, कोई धर्म का डर नहीं है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सब लोग बराबर रहते हैं, सब बराबर रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप मुस्लिम हैं फिर भी आपको इस बात का डर नहीं है? नहीं। जो नेता लोग घुमा के, जहाँ महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आज संविधान खतरे में है, या फिर जो अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो जिस तरीके से मुसलमानों के लिए कभी गिरिराज सिंह कहते हैं कि हमको वोट नहीं चाहिए, ऐसे नेताओं से क्या डर नहीं लगता है? नहीं नहीं, वो तो अपने वोट अपना बनाने के लिए दूसरे का शिकायत करता है, दूसरे का शिकायत करेगा तो वो सोचता है जो हमको वोट मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी इस बार 400 के पार जाएंगे। अच्छा, चाय जो बना के आपको दिए हैं, जो जिनका चाय पी रहे हैं, पता है किस जाति के हैं? जी, किस जाति के? हलवाई है। अच्छा, हलवाई है, तो वो भी बस से हैं और आप मुस्लिम हैं? जी। तो आपको नहीं लगता कि हिंदू के दुकान में चाय पी रहे हैं मुसलमान, तो उनको कभी दिक्कत हुआ है, आपको दिक्कत? कभी नहीं दिक्कत हुआ है, हम लोग एक साथ बैठ करके खाते हैं, समोसा लेते हैं, एक कागज पे खाते हैं, एक प्लेट में खाते हैं। दिक्कत खाली नेताओं को? बस नेताओं को दिक्कत है, जो उसका शिकायत वो करे, उसका शिकायत वो करे, और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब आपका मुद्दा इस बार विकास है? जी विकास हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है, विकास और आगे भी होगा, उसी पर वोट होगा जी। तो ये बड़े ही खूबसूरत इन्होंने बातें कही कि नेताओं के एजेंडे में दिक्कत होते हैं, रहने वाले लोग ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, हिंदू के दुकान पर मुसलमान चाय पीते हैं और कहते हैं यही आपसी भाईचारा है। एक भाई साहब हैं दुकान में बैठे हैं, क्या नाम है चचा आपका? हमारा नाम सियालाल है। सियालाल जी, क्या लग रहा है बाजार में, व्यवसाय कैसा चल रहा है और इस बार चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है? माहौल से हमारे को कोई है मतलब तो है, ये वोट तो देना ही है, वोट तो देना ही है, लेकिन हम लोग बिजनेसदार आदमी हैं, हम लोग इतना मायने नहीं रखते हैं। कैसन सांसद चुनिएगा? बिजनेस करते हैं तो आपको तो ज्यादा सोच समझ के चुनना है, चुनना होगा, सही बात है। तो कैसे चुनिएगा? जो व्यापारी लोग को जो फायदा का काम करेगा उसी को चुनना होगा हम लोग। अभी तक क्या लग रहा है कि व्यापारी को कौन फायदा पहुंचा रहा है? अभी तो दो ही गठबंधन के लोग हैं, एक कांग्रेस गठबंधन है, एक बीजेपी गठबंधन है। मिला जुला कर तो जो है सो कांग्रेस ही था जो व्यापारी लोग को फायदा का काम करवाया था। अच्छा, कांग्रेस फायदा था? हाँ। तो यानी अगर बिहार में बैठे हैं तो महागठबंधन आपको लग रहा है? हाँ, महागठबंधन लग रहा। तो आप महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट करिए? हाँ। तो ये देखिए, खुलकर सभी लोग अपने एजेंडे सेट कर लेते हैं, जिनको जहाँ लाभ जहाँ फायदा दिखता है उसकी बात करते हैं। एक और चाचा है, क्या नाम है चाचा? रत्नेश कुमार ठाकुर। ठाकुर साहब जी, कौन सा जगह है ये? हरिलोचनपुर है। हरिलोचनपुर, हरिपुर बरहेता पंचायत, हरिलोचनपुर वार्ड नंबर 5-4 है ये। अच्छा, जिला कौन सा होता है? ये समस्तीपुर जिला है। और लोकसभा कौन सा है? ये उजियारपुर लोकसभा है। अच्छा, यहाँ से सांसद अभी कौन है जानते हैं? अभी तो नित्यानंद है। अच्छा, अभी नित्यानंद। इस बार चुनाव कौन कौन लड़ रहे हैं? आलोक कुमार मेहता महागठबंधन से और NDA से ये नित्यानंद राय। हाँ हाँ। अच्छा, दोनों की बात करें क्योंकि आलोक मेहता भी यहाँ मंत्री रह चुके हैं। मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा भी लड़ चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, यहाँ रह चुके हैं। लेकिन नित्यानंद राय और आलोक मेहता में बेहतर कौन है? बेहतर नित्यानंद राय है। हालांकि नित्यानंद राय क्या, वो मोदी जी के नाम पर जाएगा, मोदी जी हाय मोदी जी, क्योंकि उन्होंने विकास किया है, उन्होंने जो काम किया इस सारा दुनिया जानता है, उन्होंने क्या किया देश के लिए और क्या करेंगे इस सारी दुनिया जानती है, सारी जनता जानती है। वोट किसको पड़ेगा? लेकिन आलोक कुमार मेहता पर भारी जरूर पड़ेंगे नित्यानंद राय जी। मतलब नित्यानंद को वोट नहीं देकर आप मोदी जी को वोट करिएगा? तो होगा क्या, मोदी जी को वोट पड़ रहा है, मैंने मोदी जी के नाम पर कोई भी आता तो आप वोट? हाँ, एगो गधो जाएगा उसको तो जीत जाएगा, जैसे लालू जी के समय में एगो गधो के जैसा था लालटेन में जीत जाता था, लेकिन लालटेन का अब रोशनी खत्म है, बत्तिए खत्म है, तेल नहीं है, फूट गया लालटेन, लालटेन फूट गया, कोई उपाय नहीं है, जनता सब जानती है, जनता अब मूर्ख नहीं रहा। ये जो बड़ा बड़ा दावा किया जाता है कि संविधान खतरे में है, गलती बोल रहा है, वो गलती बोल रहा है। संविधान कौन खत्म कर देगा? अभी जरा बताइए, जो संविधान बनाया वो तो दुनिया से चले गए और उन्हीं पर पूरा सारा दुनिया आधारित है, सारे नेता चाहे जिस दल के हों संविधान की बात करते हैं, बात कौन हटा देगा संविधान को, जरा आप ही बतलाइए। कि नौकरी और रोजगार भी तो मुद्दा है, महंगाई भी तो मुद्दा है। महंगाई तो है, महंगाई तो है, ये सब जानता है, लेकिन जहाँ रोजगार की बात हो वहाँ नीतीश जी है, नीतीश जी दे रहे हैं रोजगार, दे रहे हैं, मोदी भी दे रहे हैं। और बोलिए, उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और बोलिए ठाकुर साहब, आपसे फिर बात करेंगे। चाची कुछ कह रही थी, बताइए चाची। मोदी चिन्हय छिए? मोदी के चिन्हय? हाँ। ओकरा विरोध में जे लड़ रहल ओकरा के ना चिन्हय? ना। मोदी जी के देखले हो तो? कभी इधर आए थे? आए, मोदी जी की सभा में गई है कभी? ना, हम कभी नहीं गए। टीवी पर देखी है? हाँ, टीवी पर देखे। भोजन दे है, पाई दे है। भोजन दिए मोदी जी? तो कैसे देते हैं? राशन वाला? हाँ, हाथ गोरे जाइए तो देता है, उनका आठवां जेबे तो देता। हाँ, तो अब की बार फिर से मोदी जी को वोट कीजिएगा? तब कथी, जो दूसरे लोग जो जीत रहे हैं, जो आ रहे हैं वोट मांगने, तो वो क्या कह रहे हैं? हमारा लोग नहीं अखनी अलिन, तो जवाब तक नहीं देवे। जब आइए तब देखेगी? हाँ, अभी नहीं। ना, अखनी मोदी के, मोदी जी के। मोदी जी यहाँ किसको उम्मीदवार बनाया पता आपको? ना, हम इस हाल नहीं जाने छे, पुरना आदमी छे, हम मोदी जी के चावल चिन्हय छे, पैसा चिन्हय छे। अच्छा, मोदी जी के चावल और पैसा, मतलब राशन और जो वो मदद देते हैं? मोदी जी के तब कथी,
देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो घर घर पहुंची हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही बात हर मन से कहते हैं कि वो घर घर जो लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है, जो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए, और जो राशन उन्होंने हर घर में पहुंचाने का काम किया है वो यहाँ के लोगों तक पहुँचे। अच्छा आपको मिलता है, आप आसानी से मिल जाता है? हाँ आसानी से बैठते है, आयो फ्री जनता के खिया रहे कनिगो बात। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। एहसान साहब क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में माहौल कैसा है? माहौल बहुत बढ़िया है। क्या है माहौल? माजी से आप सुनबे किए जैसा माहौल है, हर घर में मोदी बसा हुआ है, मोदी के अलावा कोई उपाय नहीं है यहाँ। लेकिन मोदी का डर भी मुसलमानों में खूब दिखाया जाता है। ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है, कहाँ मुसलमान यहाँ सुरक्षित है, कहाँ डर दिखा रहा है, वो गलत दिखा रहा है। मतलब ऐसे देश भर में जो लोग बातें कह रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर कि भाई अब बीजेपी के दूसरे नेता कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, या कांग्रेस और दूसरे गठबंधन के लोग कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे तो महंगाई बढ़ी हुई है, संविधान खतरे में हो जाएगा, जो दलित और मुसलमान है उनके हक की बात नहीं होगी। देखिए कोई भी प्रधानमंत्री अगर दूसरा भी पार्टी आएगा ना तो ये जो अभी महंगाई है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। महंगाई हो या पेट्रोल हो, डीजल हो, जो भी चीज़ हो, कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। जो बढ़ गया, किस कोई बोलता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी, कैसे कहता है कि बढ़ रहा है, उसको अपना सोचना चाहिए। जो समय में महंगाई सस्ता था उस समय का जनसंख्या और अभी का जनसंख्या में बड़ा फर्क है कि नहीं, तो कैसे कह रहा है कि महंगाई कम कर देंगे? अच्छा ये आप सब गलत कह रहा है। आपके जो लोकसभा है यहाँ सांसद के तौर पर आप किसी उम्मीदवार को देखकर वोट करिएगा या ऊपर में देखकर वोट? नहीं हम तो ऊपर में देखकर के वोट करेंगे, नीचे कोई भी नीचे कोई भी आए कोई फर्क नहीं, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बड़े बहुत अच्छी बात है कि लोगों का मानना है कि हम ऊपर तय कर चुके हैं और ऊपर देखकर ही वोट करेंगे। कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, इधर बहुत सारे लोग हैं इनसे भी बातचीत करते हैं, समझते हैं। क्या नाम है भैया आपका? देवेंद्र साह। देवेंद्र जी यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या लग रहा है माहौल क्या है इधर? माहौल क्या चीज़ का? राजनीति का? राजनीति का मौसम का तो मिजाज बहुत बदला हुआ। राजनीति का माहौल एकदम बहुत अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है इधर, क्या लग रहा है कि इस बार दो गठबंधन के बीच लड़ाई चल रही है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, समस्तीपुर के इस उजियारपुर लोकसभा सीट पर क्या लगता है कौन मुद्दे यहाँ प्रभावी हैं? क्या बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ चल रहा है, या विकास, या हर घर 5 किलो राशन? 5 किलो राशन जो मिल रहा है वो भी बिल्कुल सही है, चल रहा है, इसमें हर एक किस्म का आदमी है जिनको उसी से माने गुजर व्यस्त हो जाता है। कुछ आदमी है जो फालतू में उठा रहे हैं वो सब ठीक है, किंतु इधर माहौल आप पूछिएगा तो माहौल को हिसाब से अभी एनडीए का अच्छा चल रहा है। एनडीए बढ़िया चल रहा है, एकदम अच्छा चल रहा है। मोदी जी के नाम? मोदी जी का नाम। नीचे उम्मीदवार मायने रखते हैं कि ऊपर वाले? ऊपर रखते हैं, ऊपर अगर सही रहेगा तो नीचे भी सही रहेगा। जी बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया? मुकेश। मुकेश जी क्या लग रहा है, आपके दुकान पर तो बहुत सारे लोग आते होंगे, तरह तरह की चर्चा होती होगी, क्या लग रहा है माहौल, क्या समझ में आता है लोगों की बातें सुन के? वोटर मालिक है, जिसको देगा वो जीतेगा। वोटर मालिक है, लेकिन मालिकों का तो मिजाज भी होता है ना, मालिक चर्चा भी करते हैं तो मालिक डिसीजन करेगा अब किसको लाएगा नहीं लाएगा। लेकिन इधर चुनावी हलचल भी तो होती होगी तमाम नेता तो है ही है, लेकिन अभी डिसीजन पहले कैसे कर दे, जब बच्चा पेपर देने जाता है उसका रिजल्ट आता है उसके बाद तैयारी तो होता है ना बच्चा का, मुद्दा क्या है यहाँ, क्या लगता है? खुद तैयारी कर रखा है, बट पेपर देगा तभी उसका डिसीजन निकलेगा, रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा जो क्या उसने पढ़ाई किया उससे पहले। पढ़ाई का एक सिलेबस होता है ना, इस बार सिलेबस है कि एक तो सिलेबस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूती, दूसरा इंडिया गठबंधन अपने आप को कह रहा है कि भाई हम महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अब एक स्कूल में स्टूडेंट 100 रहता है, 100 स्टूडेंट कहता है हम कंपटीशन में 100 कहता है हम पास है, लेकिन क्या होता है जब पेपर देता है उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ही महसूस होता है जो हम कितना नंबर लाए हैं और वो स्टूडेंट कितना नंबर लाया है। परीक्षा कैसा होना चाहिए भैया ये तो बताइए। परीक्षा तो देगा सब विद्यार्थी, बट खाली गोल गोल घुमा रहे। मेरे कहने का मतलब है कि भैया इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, दो लोग है, किसी एक को चुनना होता है तो चुन रखे मन में? मन में चुन रखा आपने, एजेंडा क्या रहा इस बार चुनने का? विकास का एजेंडा, महंगाई, बेरोजगारी, एजेंडा क्या रहा आपका? अरे कुछ तो देखे होंगे भैया ये कैसे बता दे? अरे ये तो बता, ये मन का बात है तो मन में रखे हुए हैं। अच्छा
बताने का है तो रिजल्ट आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। तब तो जो जीतेगा आप उसी के साथ सिकंदर हो, वही बात है, जो जीतेगा उसी के साथ है। अब ऐसे कैसे बता दे अभी आपके लिए, आपके लिए क्या लगता है कि अगर आपको चुनाव करने का मौका मिले तो दो में से किसी एक को चुनना होगा ना, तो आपके नज़र में कौन सा बेहतर है? बेहतर है ऊपर जो है वही है, ऊपर जो है। तो ये मुकेश जी हैं, गोल गोल घुमा कर कह रहे हैं कि ऊपर का विकास देखेंगे। क्या नाम है भैया? मिथिलेश कुमार शाह। मिथिलेश जी, इस बार चुनाव का क्या मिजाज लग रहा है? पूरा टैटू वैटू बनवाए हुए हैं, भक्त मालूम पड़ते हैं, पूरा भक्त मालूम पड़ते हैं। क्या है मिजाज, क्या है इधर? भाजपा ही जीतेगा, जो अच्छा काम करेगा वही ना जीतेगा। अच्छा काम करेगा? हाँ। स्थानीय सांसद अच्छा काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अब जो अच्छा देश चला रहा है वही ना जीतेगा, जो जो अच्छा काम कर रहा है वही जीतेगा। बहुत आदमी जीता, बहुत कुछ नहीं किया कोई, बाकी सरकार में अभी ठीक चल रहा है देश। चलिए तो बीजेपी की सरकार में देश ठीक चल रहा है, दावे और दलीलें नेताओं के खूब होते हैं लेकिन हकीकत जमीन पर लोगों से मिलने के बाद मालूम पड़ती है। कई लोगों से हमने बातचीत की, इनका रुझान, इनका मिजाज और इनके लिए जो लाभ और जो नुकसान की बातें हो रही है, जो इनको फ़ायदा पहुंच रहा है उसकी हमने चर्चा की, और लोगों ने खुलकर बताया कि इस बार का चुनाव का मुद्दा इनके नज़रों में क्या है, चाहे गाँव की महिलाएँ हों या फिर हिंदू और मुसलमान, हर जाति हर धर्म के मजहब के लोग यहाँ पर खुलकर बता रहे हैं कि इस बार का चुनाव में उनका एजेंडा साफ है, क्योंकि जो लोग इन्हें राहत पहुंचाएंगे ये उनकी बातें ठोक कर करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट बिहार झारखंड, समस्तीपुर जिला के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।